हेलो दोस्तों, मैं सोनी आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं बनाने जा रही हूँ ढोकला, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए बनाते हैं। ढोकला बनाने के लिए एक गिलास पानी, हल्दी पाउडर, दो कटोरी बेसन, एक चम्मच नमक, आधा नींबू, एक चम्मच चीनी, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। उसके बाद में जो हमारा बेसन है एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके बेसन का एक बढ़िया सा पतला सा स्मूथ सा घोल तैयार कर लेंगे। बहुत पतला घोल नहीं बनाना है आपको, ध्यान रखना है पानी पूरा एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और यहाँ पे बेसन को अच्छे से फेंटेंगे, कोई गुठलियाँ या कोई लम्स नहीं रहना चाहिए। चीनी डाल देंगे, नमक डाल देंगे और कटा हुआ जो आधा नींबू है इसको भी इसमें डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे तरीके से। इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे, इतना पतला होना चाहिए बेसन। अब इसका हम इसको आधा घंटे के लिए रख दिए थे, ये देखिए बेसन अच्छे से फूल चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा हल्दी डालते हैं, आधा चम्मच के करीब। हल्दी को मिक्स करेंगे अच्छे से, इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे। बेकिंग पाउडर डालने के बाद यहाँ पे एक गिलास पानी में इतना पानी बचा था, इसका कंसिस्टेंसी जो है ऐसा होना चाहिए। एक कंटेनर लेंगे, इसमें थोड़ा सा दो चार बूंद तेल डालेंगे और उस पर तेल अच्छे से फैला लेंगे। उसके बाद में जो हमारा बैटर है इसमें डाल देंगे, एक दो बार टैप कर लेंगे अच्छे से। यहाँ पे पानी मैंने प्री हीटेड यानी पहले ही रख दिया था गर्म होने के लिए। यहाँ पे एक भगोने से रख दिया, भगोना रख दिया ताकि भाप बाहर ना निकले। भारी बर्तन, तड़का तैयार कर लेते हैं जब तक ढोकला पकता है। एक चम्मच राई, तीन कटी हुई हरी मिर्च, दो बड़े चम्मच तेल, एक चम्मच चीनी, 8 से 10 कड़ी पत्ता। ढोकला चेक कर लेते हैं, पक चुका है अच्छे से। ये चाकू की सहायता से मैंने देखा, चाकू में नहीं लग रहा। यहाँ पे तेल को डाल देंगे, इसमें राई डालेंगे और जो कटी हुई हरी मिर्च थी उसको डाल देंगे, कड़ी पत्ता डाल देंगे और थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसको। हल्का सा इसका कलर चेंज होने के बाद हम इसमें जो हमारा चीनी था उसको ऐड कर देंगे। चीनी डालने के बाद आपको तुरंत पानी डालना, नहीं तो चीनी जो है वो टाइट हो जाएगा। यहाँ पे तुरंत मैंने पानी डाला, जितना पानी था गिलास में मैंने सब पानी डाल दिया था। उसके बाद में यहाँ पे ढोकला ठंडा हो गया है और इसको चाकू से कट लगा लीजिए ताकि आसानी से निकल जाए। उसके बाद में एक प्लेट लेंगे और प्लेट में ढोकले को अच्छे से पलट लेंगे। देख सकते हैं कितना स्पंजी है और जालीदार ढोकला है, सॉफ्ट भी दिख रहा है। चाकू से कट लगा लेंगे इस तरीके से, पीसेस में मैं कट कर लूँगी इसको। देख सकते हैं आप कितना सॉफ्ट है। यहाँ पे जो हमने तड़का तैयार किया था उसको डाल देंगे। तड़का डालने से इसका टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ ही जाता है। देखिए इस तरीके से फैला लेंगे अच्छे से तड़के को, जूसी जूसी ढोकला।